देखो जी, पहाड़ी कबीले आस्ते काफी सारे बुजुर्ग ने अपनी पूरी पूरी जड़ी सियासत सी पूरा वो इना पहाड़ी कबीले नी बहुत मुबारक है जी एसटी मिलने नी तुसी गाओ जी बहुत मुबारक हो तुसी बहुत बहुत मुबारक हो तुसी बहुत बहुत मुबारक है जी ये बड़े बुजुर्ग ने मुबारक है जिन्ने नी ये पूरी ये जद्दोजहद है करवाई है ये बार सचिव पुंछ ने तमाम चीजा चीजा गुजर पत्रवाल पाई पहाड़ी कबीले ने लोग इतना आए हैं इकट्ठे हुए हैं और बानो साहब पर बार ने फैसला लिता कि अस क्यों ना जरा फैसला आया अमित शाह साहब ने 4 तारीख की और 5 तारीख की जरा ऐलान किया है और ये एक ओपन किया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और मैं असोरी जबर मान गए ने शर्मा कमीशन की रिपोर्ट की और ये बहुत जल्दी जहाँ लागू होएगा पहाड़ी कबीले की दिशा जाएगा और ये भी क्या उन्होंने कि किसी गुजर बकरवाल ने हिसाब नहीं कटिया जा सकेगा। मैं समझना कि एक दोबारा एक इतिहाद आया एक वर्णन ये दीवार टूटी है और दोबारा लोग यूनिटी आए हैं और अस चाहे हैं कि भाईचारा कायम रखन और अस शुक्रिया अदा कर रहे हैं होम मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर ना कि उन्होंने बड़ी बुढ़बाजी ने एक फैसला लिता और पहली बार पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबीले ने लोगों ने एक तहरीक बन के सामने आए और लखन की तादाद ही रजौरी आए बारामूला आए और एक मैसेज गया हिंदुस्तान के ना हिंदुस्तान मजबूत है भाईचारा है ये जरा वो भी जरा उसकी स्टेटस से मिल सी ना ये हिंदुस्तान की मजबूत करेगा और यह मसला जरा ना यूनाइटेड नेशन अमरीका भी जाएगा अगर पैसा प्रधानमंत्री उतना जाके कहेगा कि जम्मू कश्मीर मजबूत है और देख लीता होना तुम और मिलजुल का इतिहाद रखा पाचा रखा और शुक्रिया अदा करा गवर्नमेंट ना नरेंद्र मोदी जी ना अमित शाह साहब ना और सारे तक क्या के बार एसोसिएशन पहुंच रही पूरी टीम इस टाइम बाकी अपने पहाड़ी कबीला ने वकीला ने नाल और हर गुजर ते बकरवाल वकील साहब सब मिलके एक एक कबीले नी तरह एक फैमिली नी तरीके ने नाल सारे इथे मिठाई खादी ते नाल वजीरे दाखला अमित शाह साहब ना उन्हें शुक्रिया अदा किया उन्हें मुबारकबाद पेश की के त्रेवां भरावां ही गुजर बकरवाल ते पहाड़ियां की एक बराबर दर्जा दिता गया ऐसी स्टेटस दिता गया और जड़ी बड़ी दरीना डिमांड सी उसी पूरा किया गया। अस एक बार फिर अमित शाह साहब ना शुक्रगुजार हां और पहाड़ी कबीला बहुत बहुत अपने दिली अमीर गहराइयां थी अमित शाह साहब ना शुक्रिया अदा करना है धन्यवाद जय हिंद। शुक्रवार रात ने जे पहाड़ी ला तले रखते इन्होंने आज फंक्शन रखा सा और एक पैगाम दिता सब नु पहाड़ी नौजवानों नु बुजुर्गों नु तमाम साथियों नु कोई किसी की पकड़ी ना छाले क्योंकि पढ़ा लिखा तबका सा वकला राती गलत सुन गया सुन भी अच्छा लगा और इन्हें दसिया कि जेड़े जदोजहद सी अज तुहाड़ी पूरी हो गई तमाम पहाड़ी जित इस डिस्ट्रिक्ट के परवामा दे जिथे जिथे पहाड़ी है वह मुबारकबाद है मुस्तिक है कि असाने बड़ी जो स्ट्रगल की थी और असी इस कामयाबी तक पहुँचे असी हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जी सा बड़ी देर की डिमांड से पूरी की। तो मैं वकला रात का भी शुक्रिया अदा करदा जिस जज्बे इन्होंने इस केस न उठाया और लिखित तौर पर इन्होंने पूछ रहे थे कि तो इन्होंने सू दसिया कि यह बहुत बड़ी कामयाबी हुई है पहाड़ी कबीले की। तो इस वास्ते अस सारे इतने इकट्ठे हो देखो तुम जनरल सैकटरी बार एसोसीएशन बानो ने मिठाइया तुम देखो कि लोगों को तकसीम हो जा रही है खुशी का दिन मनाया जा रहा है। तो मैं जिसे पहाड़ी तमाम पहाड़ी कबीला मुबारकबाद देना उत्थे मैं पुंछ दी बार एसोसीएशन दिल की गहराइयों मुबारकबाद देना कि जरा इन्होंने जज्बा था इन्होंने लोगों को अवेयर किया इस वास्ते सारे जो शुक्र इन्हों का मैं शुक्रिया अदा करता पहाड़ी कौम अपने वकीलों का शुक्रिया अदा करिए कि जिन्होंने वक्तन फक्तन लोगों को पैगाम पहुँचाया हर जगह लोग पहुँचे और तुम देखो कि रजौरी भी लोग पहुँचे तो इस तमाम पहाड़ी कबीलाई तरह असं सारे अच्छ खुश हाँ शुक्रिया अदा करें सेंट्रल गौरमेंट का और सभी सारे मुबारकबाद मुस्तक बिलखसूस बार के सेक्रेटरी भानु प्रताप जी ने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया है तमाम वकला लोगों को और उससे हट के जो यहाँ की पब्लिक को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है और इकट्ठा करके मेन मकसद ये था कि तमाम लोगों के अंदर एक एहतियात पैदा किया जाए चाहे वो गुजर कम्युनिटी से हो या पहाड़ी कम्युनिटी से हो। यहाँ इकट्ठे होकर सब लोगों ने जो एसटी स्टेटस पहाड़ियों को मिला है उसकी खुशी की इवज में आज की तारीख में यहाँ मिठाई बांटी गई है। मैं प्रधानमंत्री जी का और ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी का नहायत ही तहे दिल से मशकूर हूँ और एक चीज आपके चैनल से ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आज भी हमारे बहुत सारे पहाड़ी लोग हैं जो तजब्जब में हैं कि शायद पहाड़ी स्टेटस नहीं ऐलान नहीं किया तो ये उनकी गलत फहमी है। यहाँ अमित शाह जी के मुंह का एक अल्फाज भी वो कानून है हिंदुस्तान का कानून है जो कि होम मिनिस्टर अगर कोई चीज
स्पीच में कह रहा है तो उसको आप कानून मान के चले। अगर उन्होंने कह दिया है कि हमने पहाड़ियों को दे दिया है पहाड़ी स्टेटस, ऑफिशियली डिक्लेयर करना बाकी है, तो मीनिंग देर भाई इससे ये मान के चले कि मिल गया है, नंबर एक। दूसरी बात, सबसे बड़ी वाजी उन्होंने ये कर दी है कि गुजरों के हिस्से में से कोई भी उसमें से घाटा नहीं होगा, जो जहां पे वो थे 10% वो उनका उतना ही रहेगा।